सितंबर 2009 में बेसिन साउथ एशिया ने लोक आवास यात्रा नामक एक अनूठे कार्यक्रम की शुरुआत की। इस कार्यक्रम का नेतृत्व डेवलपमेंट अल्टरनेटिव्स द्वारा किया गया था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य था अलग अलग समुदाय और क्षेत्र के लोगों को ऐसे सफल प्रयासों के बारे में बताना जिनके कारण ग्रामीण जीवन में पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बगैर काफी सुधार लाया जाए। ये यात्रा एक ऐसा सफर है जिसमें भागीदार लोग उन गांवों और बस्तियों के अनुभवों से सीख सकेंगे जो ज्यादा टिकाऊ, आपदा से निपटने में बेहतर तथा ग्रामीण भारत के लोगों की जरूरतों के मुताबिक हैं। 5 अलग क्षेत्र चुने गए हैं जहां पंचायतों, अन्य ग्रामीण सभाओं, सरकारी संस्थानों तथा गैर सरकारी संस्थानों से 20 भागीदार प्रत्येक क्षेत्र के अलग अलग 3 भागों की यात्रा करेंगे। जनवरी 2010 में पश्चिमी क्षेत्र की लोक आवास यात्रा की शुरुआत हुई। राजस्थान, सौराष्ट्र और कच्छ के 3 अलग मार्गों पर 20 लोग एक साथ रवाना हुए। कच्छ मार्ग का विशेष जोर आपदा के उपरांत पुनर्वास तथा आपदा से सुरक्षित निर्माण पर है। प्राकृतिक आपदा का सामना कर सकने वाली निर्माण तकनीकों का प्रदर्शन करना लोक आवास यात्रा की एक आवश्यक विषय वस्तु थी। अर्थक्वेक के अंदर, भूकंप के अंदर सबसे जो कमजोर कोना है, कमजोर जो स्थिति है वो है ओपनिंग की। तो कैसे प्लिंथ से लेकर लिंटल तक और लिंटल में वो सरिया का जोड़ कैसे जोड़ेंगे, वो सब डिटेल यहाँ पर बताई गई है। 2001 में जा घटना पाई थी और भूकंप ने आके जा ऐसी मार दई, वेदना ने देखो जा बेपत डार दई, और गांव गांव में जाके सब हाल देख लो, आवास और विकास का सब काम देख लो। कच्छ के भूकंप के बाद हरिनगर गांव के लोगों को सीमेंट मिली मिट्टी से ईंटें बनाकर उससे अपने घर बनाने का प्रशिक्षण दिया गया। ये गांव समुदाय चालित पर्यावास पुनर्निर्माण की एक सुनहरी मिसाल है। कच्छ अकाल ग्रस्त क्षेत्र है। यहाँ की पानी संबंधी आवश्यकताओं को केवल बारिश के पानी के संचय से ही पूरा नहीं किया जा सकता। सहजीवन जैसे गैर सरकारी संस्थान गांव वालों के साथ काम कर रहे हैं ताकि पानी के स्रोतों को पहचाना जा सके, उनका इस्तेमाल किया जा सके और उन्हें रिचार्ज भी किया जा सके। इन लड़कों ने जो ट्रेनिंग ली वो रास्ता पहचानना, रास्ते की ब्लॉक को दूर करना और पानी को जमीन में जाने के लिए रास्ता बनाना, और इसी से कुएं भी रिचार्ज हुए और पानी लंबे समय चलने लगा। पश्चिमी लोक आवास यात्रा की दूसरी टीम सौराष्ट्र गई। ये क्षेत्र भी आपदा का प्रकोप झेल चुका है। यहाँ भी विशेष जोर घरों को आपदा से सुरक्षित बनाने पर रहा है, और वो भी सिर्फ स्थानीय तौर पर उपलब्ध सामान के इस्तेमाल से। यहाँ रन एरिया है, नजदीक है यहाँ से रन, तो बार बार साइक्लोन आता है, तो कई बार क्या होता है कि छत के ऊपर की जो मैंगलो स्टाइल से नली है वो उठ जाते हैं। ये ना हो इसकी वजह से हमने पूरा प्लाईवुड लगाया है ऊपर। सौराष्ट्र में सक्रिय संगठन सेवा ने गांव वालों को पुनर्निर्माण की सारी प्रक्रिया को अपने हाथ में लेने के लिए प्रोत्साहित किया। छत के बरसाती पानी के संचयन तथा उसे इकट्ठा करने की व्यवस्था तथा स्नान गृह और शौचालयों का भी निर्माण किया गया। स्थानीय महिलाओं को प्रशिक्षण दिया गया कि वो टिकाऊ विकल्प के रूप में कम खर्च पर पक्के दरवाजे तथा खिड़कियां बना सकें। सेवा ने महिलाओं के स्वसहयोगी दलों की मदद की ताकि वो सोलर लालटेनों का निर्माण तथा उनकी मरम्मत खुद कर सकें। इससे रन में ये लोग एक तो बत्ती तो चलाते हैं, बत्ती का उपयोग करते हैं, दूसरा इसमें से रन में लाइट की सुविधा नहीं है, तो अभी मोबाइल तो जगह जगह पहुंच गया है लेकिन उसका चार्ज का प्रॉब्लम रहता है रन में, तो ये पैनल की वजह से रन में ये लोग मोबाइल चार्ज करते हैं।
लोक आवास यात्रा की तीसरी टुकड़ी राजस्थान गई। भागीदार सबसे पहले पूर्वी राजस्थान में भरतपुर गए। यहाँ पर लूपिन फाउंडेशन और हैबिटेट फॉर ह्यूमैनिटी इंटरनेशनल दोनों संस्थानों ने मिलकर घर बनाने के एक सामाजिक प्रोजेक्ट को सहयोग दिया। इसके लिए कुछ निर्धन परिवारों को चुना गया और उन्हें शून्य ब्याज दर पर कर्ज दिया गया। लुपिन का लक्ष्य है कि हम इसको पूरे गांव में जो इच्छा रखते हैं कि हमारे भी झोंपड़ी पक्की बन जाए, उसको लुपिन पूरा 70% बनाएगी। लुपिन ने गांवों में सामुदायिक बायोगैस की भी शुरुआत की। इससे पैदा होने वाली ऊर्जा का इस्तेमाल बोरवेल तथा आटा चक्की चलाने के लिए होता है। बाड़मेर जिले में जावा में भागीदार ग्रामीण प्रौद्योगिकी केंद्र भी गए, जिसे उन्नति, प्रयास और ऑक्सफॉर्म का सहयोग प्राप्त है। यहाँ पर उन्होंने लो कार्बन मड टेक्नोलॉजी को देखा। ये जो आप काका पानी लेके आते हैं, उसका किराया कितना लगता है? 700 रुपया ना। और उस टैंकर में कितना पानी आता है? 4000 लीटर। पानी खारा डालते हैं, मीठा 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 डालते, मीठा नजदीक से पानी लाना प्लास्टिक में बंद करेंगे 2 दिन तक, प्लास्टिक में बंद करने पड़ेगा, चढ़ा दोगे 2 दिन के लिए। बाद में पानी थोड़ा थोड़ा बारिश। अजमेर जिले के तिलोनिया में भागीदार बेयरफुट कॉलेज गए और वहाँ उन्होंने उन अद्भुत परिवर्तनों को देखा जो वहाँ हो रहे हैं। 6 देश की महिलाएं हैं जो बाहर से, जो अपनी भाषा नहीं बोल सकती है, अपना खाना और उनका खाना अलग है, उनका रहना, उनकी संस्कृति, उनकी बोली, उनकी चाल सब अलग है, लेकिन आप जैसी महिला जो यहाँ की गाँव की महिला है, आप जैसी, वो उनको ट्रेनिंग दे रही है। उनके लिए चुनौती है कि उनको ऐसी ट्रेनिंग देना है कि वो वापस वहाँ जाके उन गांव के लिए जहाँ से आई है वो वहाँ जाके उनको लाइट, सोलर लाइट लगानी है। अभी तो बाहर से बहुत सारे लोग आए थे, अभी आंध्र प्रदेश से 2 लड़कियां आई थी, वो तो तेलुगु में बोलती थी लेकिन उनको मैंने हिंदी में भी टाइपिंग सिखाया। चार दिन तक अपने मार्ग को उत्साह पूर्वक देखने समझने के बाद सभी भागीदारों ने अहमदाबाद में इकट्ठे होकर अपने अनुभवों को एक दूसरे के साथ बांटा, ताकि भविष्य के लिए एक दिशा और कार्यक्रम निर्धारित कर सके। हम लोग सब 5 दिन साथ रहे और हमने खूब सीखा, खूब एंजॉय किया, एक दूसरे के साथ बातचीत में बहुत कुछ निकला। मुख्य विषय यह है कि हम तीनों ट्रेल्स का आपस में शेयर करें कि सबने क्या क्या सीखा। हमने काम करने का तरीका सीखा, मगर अगर हम नीति में कुछ बदलाव चाहते हैं तो उसका एक बड़ा पर्सपेक्टिव क्या होना चाहिए, तो वो भी हम आज कोशिश करेंगे कि निकल के आए। कम समय में ज्यादा से ज्यादा कैसे मकान बनाए जाते हैं, उसकी भी जानकारी मिली। हमारे गाँव में हम काम करते और कुछ टेक्निक ऐसी थी जो हमने नहीं देखी थी, वो इस आवास यात्रा में जुड़े तो हमको बहुत कुछ सीखने को मिला।